जगजीत बेदी हेयर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम कार्डबोर्ड ट्यूब से छनकना जिंगल नॉइज वाला जिंगल बनाएंगे, जिंगल म्यूजिकल आइटम इस तरह से कार्डबोर्ड ट्यूब से बनाएंगे। ये कार्डबोर्ड ट्यूब है, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर चिपकाने के लिए मैंने ये पेस्टल शीट काटी है। इसको डिज़ाइनर करने के लिए पेस्टल शीट काटी है। इसके ऊपर चिपकाने के लिए मैंने इसके नाप से थोड़ा सा ज़्यादा ये पीस काटा है और इसको मैं यहाँ चिपकाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाई है और ये पीस ऊपर रखकर मैं इस तरह से यहाँ इसको आगे की तरफ मोड़कर चिपका दूंगी। देखें आप, इस तरह से मैं चिपकाती जाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हम मोड़कर चिपका देंगे सारा। ये बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े पसंद करते हैं। इस तरह से ये मैंने चिपका दिया, आप देख सकते हैं इसके चारों किरे सिरे चिपका दिए। और मैं अब इसमें थोड़ी सी ये कोई भी आप चीज़ डाल सकते हैं, इसमें गेहूं डाल सकते हैं, थोड़ी सी ईंट डाल सकते हैं, घुंघरू डाल सकते हैं, या कुछ भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं ये दूसरा पीस जो इससे साइज से थोड़ा बड़ा लिया है, इसको कैंची से थोड़ा थोड़ा मैंने जगह जगह से इस तरह से काटना है। ताकि ये अंदर की तरफ मुड़ सके। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ी सी होल करके मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा होल करा है सीजर से इस तरह से, और इसके अंदर मैं ये आइसक्रीम का स्टिक इस तरह से लगा दूंगी। धीरे धीरे करें आप काम को, कागज़ फटना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके आप धीरे धीरे अंदर कर दें इस तरह से, बस आपने इतना अंदर करना है, थोड़ा सा अंदर, ताकि इस तरह से अंदर करने के बाद आप यहाँ पर ग्लू लगा दें, इसके तीनों तरफ ग्लू लगा दें इस तरह से, और बाहर की तरफ भी ग्लू लगा दें ताकि ये पक्का हो जाए। बाहर की तरफ भी ग्लू लगा दें इस तरह से। अब हमने इसके अंदर थोड़े से स्टोन डाल दिए थे, इसके ऊपर हम इसको इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पर किनारे पर ग्लू लगाते हुए इसके बाकी के हिस्से मोड़ देंगे इस तरह से। आप रख के इसे आराम से यहाँ से इस तरह से मोड़ दें। बाकी अगर भी ग्लू लगाकर आप इसे आसानी से मोड़ दें इस तरह से, फिर इधर घुमाते हुए बाकी हिस्से पर भी आप ग्लू लगाकर इसे पूरा इस तरह से मोड़ दें। देखिए इस तरह से आप पूरा मोड़ दें और यहाँ पर आप थोड़ी सी ग्लू लगा दें। आपको अगर लगता है कि ये ढीला हो गया लगाते समय, तो थोड़ी ग्लू लगा सकते हैं आप यहाँ पर, इस तरह से ये पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह से करके ये बड़ा वाला पीस इसके ऊपर इस तरह से लगाना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे पहले इस तरह से, और इसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब हम इसको घुमाते हुए, पूरा घुमाते हुए कस कर खींचते हुए यहाँ पर ले आएंगे और इसका सिराई से बंद कर देंगे। ये आपने बंद कर देना है इस तरह से, देखें इस तरह से हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर इस वाले पेपर को लगा दें। यहाँ पर हम इस तरह से बीच में इसको लगाएंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ी ग्लू लगाएंगे और ये इसके साथ यहाँ चिपका देंगे। फिर इसको खींचते हुए बीच में से हम इसको यहाँ तक लाएंगे और इसके लास्ट वाले हिस्से पर ग्लू लगाकर इसे चिपका देंगे इस तरह से। देखेंगे इस तरह की लुक में आ जाएगा। फिर इसके बीच में भी हम एक पेपर चिपका देंगे ताकि और भी सुंदर और आकर्षित बन जाए और भी इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को। तो हम इस तरह का पीस हमने जो काट कर रखा है ये इसके ऊपर लगाएंगे और इसको लाते हुए बीच में इस तरह से यहाँ पर ग्लू लगाएंगे ज़रा सी और यहाँ पर इसको चिपका देंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो अभी ये थोड़ा गीला है, फिर ये इस तरह से हमारा इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से मैंने ये बनाया, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से छनकने बन गए, आप देख सकते हैं कितने सुंदर बने हैं।
बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आप बच्चों को इस तरह की चीजें बना के गिफ्ट करेंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। गुड लक।